सो व्हाट्सअप गाइस, तो उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका अपना संजू और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल संजू क्रिएशन। तो गाइस, जैसा कि जब थंबनेल से ही देख लिए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक जो है होने वाला है कि पिक्सल एप से क्लॉथ्स कैसे चेंज करना है, वो भी एकदम इजीली स्टेप्स के साथ। तो गाइस, कई लोगों के माइंड पर यहाँ पर आ रहा होगा कि हम जो है क्लॉथ्स चेंज हमको पिक्सआर्ट से, लाइटरूम से, बाकी अदर पार्टी ऐप से करते हैं। आज जो है पहली बार जो है पिक्सल एप से देख रहे हैं। तो गाइस, वीडियो जो है ट्रू होने वाला है, क्योंकि कोई सा भी वीडियो आपको जब फेक नहीं बनाता है आपका भाई। तो वीडियो जो है एंड वॉच करके स्टेप बाय स्टेप जो है फॉलो करेगा, कोई भी स्टेप जो है मिस ना करेगा। आज हम आपको सिखाएंगे पिक्सल ऐप से ही क्लॉथ्स कैसे चेंज करना है, वो भी एकदम इजीली स्टेप्स के साथ। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है क्लॉथ्स चेंज करने के लिए सिंपली हमको यहाँ से पहले बैक चले जाना होगा, और बैक चले जाने के बाद गाइस हमको अपना जो है पिक्सल ऐप ओपन कर लेना है। अब पिक्सल ऐप ओपन कर लेने के बाद गाइस, सबसे पहले हमको यहाँ से इसका जो है टेक्स्ट जो है रिमूव कर लेना होगा। तो सिंपली हमको आ जाना अपने इस वाले आइकन पर, और इस वाले आइकन पर आ जाने के बाद गाइस हमको यहाँ से ओके पे कर लेना है प्रेस, तो टेक्स्ट जो है रिमूव हो जाएगा। अभी तक करने के बाद गाइस हमको आ जाना अपने राइट कॉर्नर थ्री डॉट वाले आइकन पर, और थ्री डॉट वाले आइकन पर आ जाने के बाद गाइस हमको यहाँ पर फाइल नंबर में मिल जाएगा इमेज साइज का ऑप्शन, तो यहाँ से अपने कर लेना है प्रेस। अब प्रेस कर लेने के बाद गाइस हमको यहाँ पर कस्टम का आइकन मिलेगा, तो यहाँ से भी अपने कर लेना है प्रेस, और यहाँ पर थर्ड नंबर वाला हमको प्रोफाइल पिक्चर स्क्वायर वाला जब अपने जो है सिलेक्ट कर लेना है, ओके कर लेना है। अभी तक करने के बाद गाइस हमको आ जाना अपने राइट कॉर्नर यहाँ पर फोर्थ नंबर वाले आइकन पर, और यहाँ से अपने कर लेना है प्रेस। अब प्रेस करने के बाद गाइस हमको यहाँ पर फर्स्ट में मिल जाएगा कलर का ऑप्शन, तो यहाँ से अपने कर लेना है प्रेस। और प्रेस करने के बाद गाइस अपने यहाँ पर कलर जो है कोई से भी एक कलर आप जो है बैकग्राउंड इसको जो है चूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ से इसको जो है डार्क कलर ले लेता हूँ, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इसके बाद आपने जो है यहाँ से इसको जो है राइट पर क्लिक कर लेना है। अब राइट पर क्लिक करने के बाद गाइस अपने जो है करना कहा होगा, तो हमको यहाँ पर आ जाना अपने लेफ्ट साइड वाले आइकन पर यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाने के बाद गाइस हमको यहाँ पर इंपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा सेकंड में, तो यहाँ से अपने कर लेना प्रेस। अब प्रेस करते हैं गाइस, ये आपको जो है गैलरी की ओर ले जाएगा। तो आप जो है जिस पिक का आपको जो है क्लॉथ चेंज करना रहेगा, उस पिक को आप जो है ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं उस पिक को जो है ऐड कर लेता हूँ जिस पिक का हमको यहाँ से क्लॉथ चेंज करना है। तो यहाँ से ये वाला पिक हमको जो है क्लॉथ चेंज करना है, तो गाइस मैं यहाँ पर थोड़ा इसको जो है क्रॉप कर लेता हूँ। उसके बाद हमको यहाँ से ऐड कर लेना है। अब एड कर लेने के बाद गाइस हमको थोड़ा नीचे स्टोर कर लेना होगा, और यहाँ से हमको रिलेटिव साइज पर आकर हमको यहाँ से इसको जो है साइज हमको इंक्रीज कर लेना है कुछ इस तरह से। मैं यहाँ से एक एक करके इसको जो है इंक्रीज कर लेता हूँ। उसके बाद हमको यहाँ से राइट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। अभी तक करने के बाद गाइस हमको आ जाना अपने रिलेटिव पोजिशन वाले ऑप्शन पर, और यहाँ से इसको जो है सेंटर में एड कर लेना है। उसके बाद हमको यहाँ से राइट पे क्लिक कर लेना है। अभी तक करने के बाद गाइस सिंपली हम इसको जो है लॉक कर लेना होगा, ठीक है। और लॉक करने के बाद आपने यहाँ पर करना क्या है गाइस, तो हमको यहाँ पर आ जाना अपने शेप्स वाले ऑप्शन पर। अब यहाँ पर शेप्स किस लिए यूज़ कर रहे हैं वो आप जो है देख लीजिएगा, ठीक है। तो शेप्स हमको यहाँ से ले लेना है पहले। अब ले लेने के बाद गाइस हमको यहाँ पर पिक के अकॉर्डिंग हमको कुछ इस तरह से ले जाना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है कुछ इस तरह से इसको जो है पिक के अकॉर्डिंग पे आपको जो है इंक्रीज कर लेना है। उसके बाद हमको यहाँ से नीचे भी ले आना है इसको कुछ इस तरह से, ठीक है। अब नीचे ले आने के बाद गाइस हमको यहाँ से राइट पर क्लिक कर लेना है। अब राइट पर क्लिक करने के बाद गाइस अपने यहाँ पर करने का है हमको नीचे स्क्रॉल कर लेना है, ठीक है। अब नीचे स्क्रॉल करने के बाद गाइस हमको यहाँ से इसका जो है आ जाना अपने कलर वाले ऑप्शन पर, ठीक है। और कलर वाले ऑप्शन पर आ जाने के बाद सिंपली हमको इसको जो है इनेबल कर लेना है। अब इनेबल कर लेने के बाद गाइस अपने जो है जो कलर रख लेना है, ठीक है। आप अपने एंगल से देख लीजिएगा, क्लॉथ से हमारा जो है कलर जो है इसका जो है रेड ऑलरेडी है, तो हमको यहाँ से कोई दूसरा कलर जो है चेंज कर लेना है, क्लॉथ्स चेंज करना है गाइस, ठीक है। यहाँ पर आपको जो कुछ अदर नहीं करना है, तो हमको सिंपली हमको यहाँ से ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेते हैं या फिर स्काई कलर। तो हम यहाँ से कोई सा भी कलर है जो है पहले चूज़ कर लेना है, तो हमको यहाँ से पहले ग्रीन ही ले लेना है, ठीक है। राइट पे क्लिक कर लेना है। अब आपने करना क्या गाइस, हमको आ जाना अपने इस वाले आइकन पर, ठीक है। इस वाले आइकन पर आ जाने के बाद गाइस आपने जो है करना क्या होगा, तो हमको यहाँ से यहाँ पर कर लेना होगा प्रेस। अब प्रेस कर लेने के बाद गाइस आपने यहाँ पर इसको हमको नीचे कर लेना है, तो सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस। तो ये हमारा जो है शेप्स जो है नीचे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिंपली हम इसको लॉक कर लेना है यहाँ पर आकर, ठीक है। अब लॉक करने के बाद गाइस अपना अप वाला लेयर का हमको अनलॉक कर लेना है, ठीक है। यहाँ से अनलॉक आपको जो है ये वाले से होगा, ठीक है गाइस। यहाँ से आपको जो है अनलॉक कर लेना होगा, ठीक है। और यहाँ से इसको जो है पिक को हमको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा। अब यहाँ से अपने जो है करना क्या है गाइस, यहीं से आपको जो है काम जो है स्टार्ट होने वाला है, स्टेप बाय स्टेप जो है फॉलो करिएगा, ठीक है। तो हमको यहाँ से कर लेना है इरेज कलर पर आपको जो है प्रेस। अब प्रेस कर लेने के बाद गाइस हमको यहाँ से इनेबल कर लेना है, ठीक है। अब इनेबल करने के बाद आपने जो है करना क्या होगा गाइस, तो हमको आ जाना अपने इस वाले आइकन पर, ठीक है। और इस वाले आइकन पर आ जाने के बाद गाइस अब यहाँ पर आप जो है कैसा करना है ये आप जो है ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि सारा का सारा काम यहीं से होने वाला है। अब जैसे कोई सा भी पिक आप जो है सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब जो है जैसे आप जो है पिक सिलेक्ट करोगे, तो उस कलर का आपको जो है क्लॉथ जैसे हमारा ग्रीन रहेगा, तो आप जो है ग्रीन कलर सिलेक्ट करिएगा, ठीक है। हमारा पिक का जो है कलर जो है रेड कलर है, तो हमारा जो है
स्टिक का कलर जो है रेड है, तो उसको हमको यहाँ से चेंज करना है। तो गाइस हमको यहाँ से इसको जो है रेड कलर सेलेक्ट कर लेना है। आप जैसे पिक ऐड करोगे तो उसका कलर आपको जो है दूसरा रहेगा, तो आप जो है दूसरा कलर ऐड करिएगा। जैसे ग्रीन रहेगा तो हमारा ग्रीन सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर स्काई कलर रहेगा तो स्काई कलर चेंज करना है, ठीक है। कुछ इस तरह से सेटअप करना है। अगर ब्लू रहेगा, अगर ब्लू को चेंज करना रहेगा तो यहाँ पर आप जो है ब्लू सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारा पिक का जो है कलर जो है हमारा रेड कलर है, ठीक है। तो हमको यहाँ से रेड कलर सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से हमको इसको जो है राइट पे क्लिक कर लेना है। अब राइट पे क्लिक करने के बाद गाइस आपने जो है यहाँ पर करना है क्या होगा, तो हमारा जो है टॉलरेंस है 10 के राउंड, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो है इंक्रीज कर लेना होगा कुछ इस तरह से। हमको यहाँ से कर लेना है 25 के राउंड, ठीक है। 25 के राउंड करते ही ये हमारा जो है कलर जो है चेंज हो जाएगा। जैसे कि देख ही सकते हो ये हमारा रेड है, और यहाँ से इंक्रीज करने पर ये हमारा जो है हो चुका है ग्रीन, जैसे कि देख ही सकते हो। तो गाइस इस तरह से आपको जो है कलर जो है रिप्लेस आप जो है कर सकते हो क्लॉथ्स का स्टेप बाय स्टेप जो है फॉलो करके। इसमें आपको जो है कुछ नहीं रखा है गाइस, एकदम इजीली स्टेप्स के साथ आपको जो है यहाँ पर कर लेना होगा इस तरह से। इसमें आपको जो है ज़रा सा भी कुछ भी आपको जो है प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, एकदम स्टेप बाय स्टेप जो है फॉलो करेंगे तो ये 100% एक ही बार में आप जो है समझ जाओगे। तो इस तरह से आप जो है इजीली स्टेप्स जो है कर सकते हो। तो यहाँ से हम इसको जो है टॉलरेंस कर लेना है 25 के राउंड, ठीक है। कुछ इस तरह से आपने यहाँ पर राइट पे क्लिक कर लेना है। ये तो हमारा ग्रीन कलर का होगा। मैं आपको जो है दूसरा कलर करके दिखाता हूँ, वो भी आपको जस्ट एक ही स्टेप में ही, ठीक है। तो हमको अप वाले लेयर का हमको कर लेना है, इसको लॉक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नीचे वाले लेयर को अनलॉक कर लेना है, और अनलॉक करने के बाद गाइस हमको यहाँ से कलर जो है चेंज कर लेना है। तो हमको आ जाना अपने कलर वाले ऑप्शन पर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो है दूसरा कलर करके चेंज करके दिखाएंगे। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना होगा गाइस, एकदम इजीली स्टेप्स है। बस आपने जो है कलर चूज़ करिएगा, कलर जो है चेंज हो जाएगा क्लॉथ्स का। जैसे देख सकते हो ये हमारा स्काई कलर हो गया, पिंक हो गया, यहाँ से आपको जो है ब्लू हो गया, और यहाँ से आपने जो है ब्लैक कर सकते हैं। कुछ इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है फॉलो करेगा गाइस, तो यहाँ से 100% ये एक ही बार में आपको जो है वीडियो जो है समझ आ जाएगा। कुछ इस तरह से आप जो है इसको जो है कर सकते हो। जैसे ये हमारा ब्लैक हो गया, ठीक है, ग्रीन, स्काई, और यहाँ से पिंक। तो गाइस ये इजीली स्टेप्स है। इस तरह से आप जो है स्टेप बाय स्टेप जो है फॉलो करके जो है पिक्सेल से ही क्लॉथ आप जो है चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से गैलरी में सेव कर लेने के लिए वो भी आपको ऑप्शन में बता दिया ना, तो सिंपली हमको आ जाना होगा अपने इस वाले आइकन पर, और इस वाले आइकन पर आ जाने के बाद गाइस हमको यहाँ से सेव टू गैलरी पे कर लेना होगा प्रेस। उसके बाद गाइस हमको यहाँ पर नीचे में कस्टम का आइकन मिलेगा, तो सिंपली हमको यहाँ से भी कर लेना होगा प्रेस, और अल्ट्रा वाला जो है सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर सेव टू गैलरी पे कर लेना है प्रेस। तो इस तरह से आपको जो है गैलरी पे हो जाएगा गाइस। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और एक प्यारे से कमेंट जरूर करिएगा। तो गाइस मिलते हैं एक नए वीडियो की नए रेटिंग के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।